गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी जो भी ये वीडियो देख रहा है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी तक हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स पढ़े, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा कि वो दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब भी पार्टनरशिप अकाउंट की बात आएगी ना कि हम पार्टनर्स के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसके लिए पार्टनर्स के लिए क्या बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं, इसमें आती है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये जनरली होता है जब पार्टनरशिप का नाम आता है ना, पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, कैपिटल अकाउंट भी बनता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर, ये भी मैंडेटरी होता है। एक और होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी कंपलसरी होता है। ठीक है, ओके। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसा क्या होता है जो स्पेशली बनाना पड़ जाता है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस तो बना ही रहे हैं, तो ये एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट लगा के क्या मतलब बनता है, ये तो फालतू बना है ना, ना ये फालतू बना नहीं है। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम जो हमारा पार्टनर है ना, ये जो पार्टनर है, ठीक है, इसको जो हमने सैलरी पे किया है, इसको जो हमने कमीशन पे किया है ना, इसको जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर इससे जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ली है, ठीक है, या फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में डिसाइड हुआ है, शेयरिंग रेशियो जो इनके बीच में डिसाइड हुआ है, उसका जो डिवीजन होता है, क्या होता है डिवीजन, मतलब इस पार्टनर के पास कितना जाएगा, इस पार्टनर के पास कितना जाएगा, इस पार्टनर के पास कितना जाएगा, है ना, ए के पास कितना जाएगा, बी के पास कितना जाएगा और सी के पास कितना जाएगा, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं हम। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें पहली बात की जो भी हमने पीएनएल बनाया होता है ना, पीएनएल इसमें या तो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर क्या आएगा, नेट लॉस। ठीक है, दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो फर्म को प्रॉफिट होगा या फर्म को लॉस होगा। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे या तो प्रॉफिट की फिगर आएगी या फिर लॉस की फिगर आएगी, है ना। उसके बाद जो भी सैलरी पे की है, जो भी कमीशन पे किया है फर्म ने, या फिर जो भी इंटरेस्ट पे किया है पार्टनर को, या फिर जो भी इंटरेस्ट रिसीव किया है पार्टनर से, ये सारी फिगर्स आ जाएंगी। एंड उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगी, बैलेंसिंग फिगर वो क्या रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वाली। ठीक है, तो इसको ना पहले हम जर्नल एंट्री से समझते हैं, जिससे कि चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। हम क्या समझेंगे इधर, जर्नल एंट्रीज, लेक्चर फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, नालायक बच्चों, बट हमें जो है यहीं पे बैठ के सीखना है। चलो फटाफट क्या होगा, फर्म को या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, नेट प्रॉफिट होगा। अब अगर प्रॉफिट है फर्म को, ठीक है, तो क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट है अगर, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, बीइंग प्रॉफिट
from PNL account transferred to profit and loss appropriation account. ठीक है, अब यही अगर लॉस है, नेट लॉस है अगर फर्म का, तो क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस लॉस का अकाउंट. ठीक है ना, और यहां पे सेंटेंस क्या रहेगा, बीन लॉस फ्रॉम पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, ओके, नेक्स्ट. अब जब सैलरी दी है पार्टनर को, सैलरी टू पार्टनर्स, इसका क्या रहेगा, इसकी एंट्री क्या रहेगी, तो इसकी एंट्री रहेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, ये तो हमको भी पता है सैलरी अकाउंट डेबिट ही होता है, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट. ठीक है, तो ये हो गया बीन सैलरी पेड टू पार्टनर्स, बीन सैलरी पेड टू पार्टनर्स, ये तो इसकी एक ही एंट्री हुई क्योंकि हमने किसको दी है सैलरी, पार्टनर्स को दी है. ठीक है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, यहां पे हमारा नरेशन क्या रहेगा, बी सैलरी टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है. अब थर्ड क्या रहेगा, हमने जो कमीशन पे किया है, कमीशन टू पार्टनर्स लिया है. ठीक है, तो कमीशन सैलरी ये सब एक ही टाइप के एक्सपेंसेस है. ठीक है, ये एक ही हेड में आते हैं, मतलब जो इनका मेन हेड होता है वो एक ही है ना, तो इसकी जो एंट्री होगी वो भी सेम होगी. देखो, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट. अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, मैं बार बार इधर कैपिटल और करेंट अलग अलग क्यों लिख रही हूँ, मैं इधर इसलिए अलग अलग लिख रही हूँ कि अगर फ्लक्चुएटिंग हुआ तो कैपिटल में चला जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सीधे सीधे चला जाएगा, बट अगर फिक्स है, फिक्स कैपिटल है, तो वो किस में जाएगा, पार्टनर के करेंट अकाउंट में जाएगा. ठीक है, ये तो इसकी एम क्यू है, क्या है, बीन कमीशन पेड टू पार्टनर्स. ठीक है, बी अगर कमीशन है तो हमें प्रॉफिट एंड कमीशन है और हम पार्टनर्स को दिया हुआ है. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
to commission to partners account. ठीक है, यहाँ पे आएगा बी कमीशन पेड टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. ठीक है, थर्ड इंटरेस्ट कैपिटल भी पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो कैपिटल पार्टनर लेकर आता है अपने घर से बिजनेस के लिए उसको बोलते हैं कैपिटल, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं. तो इसकी क्या एंट्री होगी? सेम है, बस आपका हेड अलग हो रहा है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, तो क्या है बीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर. नेक्स्ट, ये तो इसकी ए एंट्री हुई ना, इसकी बी एंट्री क्या रहेगी? इसकी बी एंट्री रहेगी फिर से भाई, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ठीक है, फिर उसके अलावा कौन क्या चीज होती है? हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम पार्टनर्स. ये पार्टनर्स पे करते हैं फर्म को, कब? जब ये बिजनेस से पैसा कहाँ ले जाते हैं? घर पे विड्रॉ करते हैं जब बिजनेस से पैसा, तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स, है ना. और उसके ऊपर जो है ये इंटरेस्ट पे करते हैं. तो जब ये इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्या रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर. ठीक है, ये इसकी ए एंट्री है. इसकी बी एंट्री क्या है इसमें? इसकी बी एंट्री जो होगी ना, वो फिर से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ट्रांसफर करना रहेगा, है ना. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है,
अब इसके बाद क्या बचेगा? इसके बाद जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा जो बचा हुआ होगा दुनिया भर के खर्चों के बाद, उसके बाद जो पार्टनर है, देखो मैं इधर एक्सप्लेन कर, ये सारे खर्चे हो गए, इसके बाद ना ये जो पार्टनर्स है ना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इसमें या तो ये प्रॉफिट शेयर करेंगे या फिर लॉस शेयर करेंगे, है ना। तो ये इसकी एंट्री कैसे रहेगी, ये प्रॉफिट की या फिर ये लॉस की, जो कि इसको इफेक्ट करेगी इनके कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, है ना।